हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कंक्लूडिंग द अटैक, यानी कि अटैक कंक्लूड करते वक्त हम मेटिंग पैटर्न्स को कैसे पहचाने। पहले भी हमने इस पे एक वीडियो किया था, दो तीन वीडियो कंक्लूडिंग द अटैक पे कर चुका हूं। अब हम पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये जो है पॉपुलर जो पैटर्न्स होते हैं वैसे नहीं है, जैसे ग्रेकोस मेट, लॉलीज मेट, इस टाइप के जो मेट्स होते हैं वो नाम के ऊपर नहीं है, पर जो एंड में जो मेट का पोजिशन आएगा उसको हम कैसे याद रखें। तो यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले पोजीशन। आप देख सकते हो ब्लैक बहुत ही एक्टिव है, बिशप्स पावरफुल है, क्वीन और रूक ओपन है। यहाँ पे व्हाइट का क्वीन और रूक ओपन नहीं है, बी फाइल बंद है, इस वजह से किंग के सामने पॉन नहीं होने पर भी ब्लैक किंग व्हाइट किंग से बहुत ज्यादा सेफ है। और आप देख सकते हो ऑब्वियस मूव है NF3 चेक, आपने देखा ही होगा अब तक, तो बहुत ही डेडली है। पर थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करते हैं, NF3 चेक, GF3 ऑलमोस्ट फोर्स, नहीं तो बिशप हैंगिंग है, उसको बिशप F3 चेक, उसको आता है BG3, BG2 तो हो नहीं सकता है, तीन अटैक है बिशप पर, BG3 पर, BG3 के बाद क्या, क्योंकि G3 पर हमारे पास है दो अटैक और सपोर्ट एक ही है, F2 का पॉन पिन में है, तो क्या हम क्वीन G3 सैक्रीफाइस दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये माइंड में आना चाहिए। चलिए देखते हैं, राइट F3, GF3, BF3, BG3, क्वीन G3 चेक, H टेक्स G3, उसको रुक G3 चेक, और अब दो ऑप्शन है, एक है किंग H2 और दूसरा है बिशप G2। बिशप G2 आउटराइट ब्लंडर है, रुक G2 चेक, किंग F1 एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनेगा, वहां पे रुक F2 चेक के साथ मेट होगा, या तो वेटिंग मूव रुक H से भी मेट होगा। चलिए करके देखते हैं, NF3, GTX F3, BF3, BG3, क्वीन टेक्स G3, H टेक्स G3, रुक G3, BG2 को RG2 चेक, किंग F1, और यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है रुक H2, ये टू बिशप्स के साथ इस तरह से मेट होता है, इस केस में नाइट E2 हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है रुक F2 चेक, किंग G1, ये पैटर्न देखिए रुक G2 चेक, किंग F1 को रुक G1 मेट, दो बिशप और रुक से अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस पोजीशन में KH2 फोर्स है, इस पोजीशन को इमेजिन करना बहुत जरूरी था और यहाँ पे मूव फाइंड करना जरूरी था, क्योंकि काफी लोग सोचते रूक हिलाना फोर्स है, रूक हिलाते ही क्या होगा, BH3 करने का शायद व्हाइट को चांस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है किंग H2 के बाद वो है बिशप F2। दो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए रूक H8 मेट है, इस मेट का ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस ही नहीं है, गेम में BH3 खेला व्हाइट ने, पर BH3 खेलते ही रुक H3 चेक, KH3 देखिए एक दूसरा पैटर्न बन गया, दो बिशप से ये चारों स्क्वायर्स गार्डेड है, तो फाइल पे बैक रैंक की तरह देखिए मेट हो गया, दो बिशप और रुक से मेटिंग पैटर्न बन गया। व्हाइट चाहे तो ज्यादा से ज्यादा दो मूव्स और एक्सटेंड कर सकता था, वो था रुकी एट क्वीन C2, पर कुछ मतलब नहीं है, रुक H8 को क्वीन H7, रुक H7, BH3, रुक H3 चेकमेट। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजिशन पर, यह है दूसरा पोजीशन आपके सामने जिसमें कंप्लीटली अलग तरह का पैटर्न होगा। आप देख सकते हो फिर से ब्लैक के पीसेस किंग साइड की ओर देख रहे हैं, क्वीन का H2 पर अटैक है, बिशप का H डायगोनल पर अटैक है, रुक H5 से शिफ्ट हो सकता है और नाइट भी G4 या H5 स्क्वायर से किंग के पास जा सकता है। सेम प्रॉब्लम्स, किंग साइड पे एक भी डिफेंडर नहीं होना, यह मेजर वीकनेस है ब्लैक के लिए। इस पोजिशन में दो पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मूव, देखिए बहुत ही ऑब्वियस है, रुक H5 के अलावा कोई डायरेक्ट फोर्सिबल मूव नहीं है, चेक यहाँ पे काम नहीं कर रहे, कैप्चर और चेक जो क्वीन H2 एक ही है तो उसका कोई यूज नहीं है, D3 पे कैप्चर से कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ब्लैक ने किया रुक H5। ये मूव तो काफी ऑब्वियस है, इसमें आप देख सकते हो ओनली मूव H3 है, G3 को BF3 भी है, पर शायद क्वीन G3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H3। और अब दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, एक जो मैंने कैलकुलेट किया था पहले और एक जो गेम में हुआ, दोनों में थोड़ा फर्क देखते हैं, दिखने में लग रहा है दोनों तरीके एकदम ही सही है, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए तीन कैंडिडेट मूव निकल के आ रहे, एक है रुक H3 चेक, दूसरा है बिशप F3 ताकि GF को रुक H3 हो सके, और चौथा एक और मूव है, देखिए H2 वीक है, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द वीकनेस एंड हु इज द डिफेंडर, तो H2 वीक है तो H2 को नाइट G4 से अटैक कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हो बिशप का इस डायगोनल पर अटैक है, रुक H3 पे अटैक कर रहा है, तो इसका डिफेंडर G2 है, G2 पिन होगा अगर F1 नहीं होगा, तो नाइट G4 का आइडिया भी बन रहा है, तो
तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रुकेज थ्री में, क्योंकि दिखने में ज्यादा फोर्स्ड है, तो रुकेज थ्री जीएच थ्री बी एफ थ्री चेक, किंग जी वन फोर्स्ड, क्यू जी टू को क्वीन चली जाएगी, क्वीन जी थ्री चेक, किंग एफ वन, ये पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, देखिए क्वीन एच थ्री चेक, इसके बाद बाय फोर्स जो है ब्लैक जीत जाता है। चलिए मूव करके देखते हैं। इस लाइन में एक ही प्रॉब्लम है, रुक एच थ्री के जी वन ऑन द स्पॉट विनिंग नहीं है। बिशप एफ थ्री चेक, के जी वन, क्वीन जी थ्री चेक, किंग एफ वन, क्वीन एच थ्री, ये एक टिपिकल टेक्निक होता है। क्वीन को जब डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है, क्वीन साइड से एंट्री लेती है, कैसे, के जी वन को क्वीन एच वन, के एफ टू, क्यू जी टू, इस तरह से। पर ये देखिए इधर एक पैटर्न बन के आएगा, क्वीन बिशप और नाइट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, नाइट जी फोर, कोई डिफेंस ही नहीं है क्वीन एच वन मेट का, तो ऑन द स्पॉट विनिंग। और दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे के एफ टू, उसको क्वीन जी टू चेक की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एड जी फोर चेक और किंग जी वन फोर्स्ड, नेक्स्ट मूव क्यू एच वन चेकमेट। पर ब्लैक ने जो गेम में किया वो इससे भी थोड़ा फोर्सफुल और फास्ट था। ब्लैक ने खेला नाइट जी फोर, जिस मूव के बारे में मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, एफ टेक्स जी फोर फोर्स्ड है, वरना क्यू एच टू मेट था, तो एफ जी करते ही क्या होगा, जी टू पिन हो जाएगा, तो रुक एच थ्री चेक, के जी वन और क्वीन को सीधा एच टू पर एंट्री मिल जाएगा। आप देख सकते हो क्वीन एफ टू चेक, किंग के पास एफ वन और एफ टू दो ही जगह, एफ टू आने से क्यू जी टू ऑन द स्पॉट मेट, ये एच थ्री का रूप देखिए ओपन है, एफ थ्री पे पॉन नहीं है। ये इमेजिनेशन का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और मैं जो अभी मूव्स करके बताऊंगा उसके बाद चाहे तो फिर से इस वीडियो को करके देखें। सबसे बेस्ट है कि बोर्ड पे सेट करके ये करें, तो इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है। रुक टेक्स एच थ्री चेक, के जी वन, क्यू एच टू चेक, के एफ टू, क्वीन जी टू चेकमेट, ये एग्जैक्ट पोजीशन इमेजिन करने की कोशिश करना है हमें। तो बोर्ड पे करने से इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, दो तीन बार करने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूस दो तीन महीना अगर करें तो आप देखोगे आपका इमेजिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। किंग एफ वन फोर्स्ड, इसमें भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, आप देख सकते हो 18-2 है, क्वीन एच वन चेक, के ई टू या एफ टू दोनों को ही क्यू जी टू चेकमेट, और ब्लैक जीत गया। तो इस तरह से ना कि हमने एक पोजिशन को अटैक को आइडेंटिफाई किया, पर एंड में जो होने वाले पैटर्न है उसको भी याद करने का कोशिश किया, इससे हमें गेम में जो पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप होगा उसमें फायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।